पेट में दर्द हो गया है, यही मैंने जो विपक्षी मत जो है एक हो रहे हैं, और जो एक होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी, सत्ता मैंने सरकने की जमीन जो है उनका सरक रहा है, तो इस वजह से जो है ना अपना बेचैनी है, हताश है, बेचैन है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। आरसीपी सिंह जो पहले जदयू में थे अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से महागठबंधन के जो नेता हैं अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इस वक्त जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब पार्टी में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तभी से इस तरह की सुखबुगाहट थी। बीजेपी में जाने वाले हैं, पार्टी में रहते हुए भी उधर के लिए काम कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सबसे पहले आप इस वीडियो में वो देखें। कुछ इंतजार कर लीजिए, भाजपा वाले को पता हो जाएगा, चल जाएगा उनका जी क्या होने वाला है। सर, विपक्षी एकता को जो ये एग्जिट पोल है, क्या वो एक संजीवनी का काम करेगा अगर फेवर में रिजल्ट आता है? निश्चित ही आप जान लीजिए कि विपक्षी जो एकता है उसका प्रभाव वहाँ पड़ रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ जो है विपक्षी जो इधर मैंने भाजपा हटाओ सरकार बनेगी। पेट में दर्द हो गया है, यही मैंने जो विपक्षी मत जो है एक हो रहे हैं, और जो एक होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी, उनको पता चल गया कि अब जो है 2024 का जो है ना हमारा हिलने वाला है सत्ता, तो सत्ता मैंने सरकने की जमीन जो है उनका सरक रहा है, तो इस वजह से जो है ना अपना बेचैनी है, उनको हताश है, बेचैन है। अब क्या होगी, बिहार में बैठक होगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, विपक्षी दल को बिहार में ही सभी जगह जा रहे हैं, और बिहार में हमारे सभी जो महागठबंधन के जो लीडर हैं सब लोग हमारे नेता के नेतृत्व में विश्वास रख रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है, सरकार चल रही है, और संगठन में भी हम लोग कैसे संगठन को और मजबूत बनाए, हमारा जो सभी घटक दल और बेहतर कैसे बने और कैसे सशक्त करें महागठबंधन को, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए पॉलिसी रणनीति बना रहे हैं। 13 तारीख को आपने देखा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि जब पार्टी में थे तब से ही सुखबुगाहट नजर आ रही थी। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि उनके उधर जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नालंदा गढ़ किसका है, कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार ही नेता है और नालंदा में उनकी पकड़ है, आरसीपी सिंह के भाजपा में शामिल होने से कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ जब विपक्षी एकजुटता को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जब विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी इस तरह से तिलमिलाई हुई क्योंकि 2024 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी का जो पत्ता है वो साफ होने वाला है। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा कि बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।